बात है 17वीं सदी की। भगवान श्री जगन्नाथ का एक अद्भुत भक्त हुआ, एक ब्राह्मणी कन्या थी, बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर अकबर का सेनापति मिलिच्छ वो आकृष्ट हो गया। उसका नाम था कालबेग। उस ब्राह्मणी कन्या का हरण करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग इस कथा को, कालबेग ने उस ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया और हरण करके ले गया, और उस ब्राह्मणी कन्या का गर्भाधान कर दिया। उस कन्या ने विचार किया कि मैं समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन मन में विचार करती है कि मेरे गर्भ में भले ही पिता कोई भी हो, लेकिन मेरा बालक है। मेरे साथ जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ मैं उसको भूल जाऊं, लेकिन मैं एक बालक को भगवान का परम भक्त बनाऊं। ये भावना उसके हृदय में आई और तब उस ब्राह्मणी कन्या ने एक बालक को जन्म दिया। हट पूर्वक उसके पिता ने, अपना नाम था कालबेग तो उसका नाम रख दिया सालबेग। सालबेग, सालबेग बचपन से ही अपनी मैया से श्री जगन्नाथ जी की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करता था। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है, जगन्नाथ जी का भात कैसे बनता है, जगन्नाथ जी का रूप कैसा, बलभद्र सुभद्रा कैसे हैं, ये सब अपनी मैया से सुनता था। धीरे धीरे सालबेग बड़ा हो गया। एक दिन सालबेग अपने घर की छत पर बैठा था, तभी वो देखता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग सामान बांध करके बैलगाड़ियों में बैठ करके और जा रहे हैं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तब उसकी माँ ने बताया, बोले बेटा ये सब लोग श्री जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं। जैसे सालबेग ने सुना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उछलने लगा, मचलने लगा, माँ मैं भी जाऊं इनके साथ में, मुझे भी दर्शन करना है। सालबेग की माँ ने कहा, बेटा तुम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो कि तुमको जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। आज भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन गैर हिंदुओं को नहीं प्राप्त होते, बस तब जब रथ यात्रा में आते तभी दर्शन का सौभाग्य मिलता है। सालबेग की माँ ने कहा, यदि तुम गए भी तो तुम्हारा पिता रुष्ट हो जाएगा, तुम्हारी अनुपस्थिति में वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, इसलिए बेटा यहीं बैठ करके जैसा मैंने तुमको बताया ऐसे ही जगन्नाथ जी के मंगल में दर्शन किया करो। सालबेग रुदन करने लगा, 700 कोस दूर है जगन्नाथ धाम, और सालबेग अपनी छत पर बैठ करके श्री जगन्नाथ जी के मंगलमय रूप का स्मरण करते हुए उड़िया भाषा में एक गीत गाता है। अब मुझे संपूर्ण तो नहीं आता, मैंने ये कथा लगभग आज से 5 वर्ष पहले जब जगन्नाथपुरी में कथा हुई थी तब कही थी, तब के बाद आज कह रहा हूं। आज ये प्रसंग सुनते समय प्रपन्न भक्त का स्मरण कर रहा था। कौन प्रपन्न भक्त, किसके बारे में बताऊं, अनेकों हैं, सभी प्रपन्न हैं, लेकिन तब स्मरण आया सालबेग का। सालबेग भगवान की वहीं बैठा बैठा स्तुति गाता, अद्भुत स्तुति। अहे नील शैल प्रबल गारा है। अरे नीलाचल पर्वत के मदमस्त हाथी जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं उस समय का स्वरूप कैसा होता है जगन्नाथ जी का,
समस्त पंडा पुजारियों के कंधे पर हाथ रख करके जिस प्रकार एक हाथी गजगामन चाल, ऐसे ही जगन्नाथ भगवान सीढ़ियों पर कूद कूद के आते हैं नीचे जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं, और सीधे नहीं चलेंगे, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। सालवेग ने कभी दर्शन नहीं किया अपने जगन्नाथ जी का, लेकिन अपनी मां से सुने हुए वचनों को केवल गा रहा है। अहि नील शैल प्रबल मत तारण, ए नील नीलाचल पर्वत के पर्वत यानी कि मतवाले हाथी। हाथी का एक स्वभाव होता है क्या, कि हाथी कमल के वन को जब देखता है तो उसको छोड़ता नहीं है, ध्वस्त कर देता है। सालवेग जगन्नाथ भगवान से कह रहा है, मुवार तन लनी वन कूकदश, मैंने पूर्व जन्म के कोई पाप किए होंगे जगन्नाथ भगवान, जो मैं आपके दर्शन का अधिकारी नहीं हूं, तो आप आकर के मेरे उन पाप रूपी कमल की बगीचे को आकर के ध्वस्त कर दीजिए और मुझे अपना दर्शन कराइए हे जगन्नाथ जी। सालवेग जब ये स्तुति गा रहा था, श्री जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से उतर करके रथ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और जैसे ही रथ में जाकर के आरूढ़ हुए, वहां ठाकुर जी को करोड़ों भक्त नहीं दिख रहे हैं, केवल सालवेग की मंगलमय स्तुति सुनाई दे रही है। एक मिलिच्छ मुस्लिम बालक है सालवेग, बलभद्र जी का रथ चल पड़ा, सुभद्रा का रथ चल पड़ा, करोड़ों की तादाद में भीड़ आ गई। जगन्नाथ भगवान के रथ को चारों ओर से घेर लिया, बड़े बड़े मदमस्त लोगों ने आकर के जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ को खींचना शुरू किया, सुबह से शाम हो गई लेकिन जगन्नाथ जी का रथ हिला नहीं वहां से। जगन्नाथपुरी का राजा आया, राजा ने आकर के भात भोग लगाया, रसगुल्ला भोग लगाया, ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। जहां तक दृष्टि पड़ रही है लोग खड़े हैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ध्यानस्थ होकर के बैठा, जगन्नाथ भगवान उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और कहा, बोले आज मेरे रथ को खींचने के लिए एक भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं आया। राजा कहता है, प्रभु अपने नेत्र विशाल नेत्रों को खोल के देखिए, जहां तक आप देखेंगे समुद्र के भांति लोग ही लोग खड़े हैं रथ को खींचने के लिए, आप कैसे कह सकते हैं कि एक भी भक्त नहीं है। जगन्नाथ भगवान रुदन करने लगते हैं और कहते हैं, हे राजन आज मुझको केवल सालवेग दिख रहा है, मुझको और कोई दिखाई नहीं दे रहा, कैसे भी करो व्यवस्था करके सालवेग को बुलवाओ, वो आकर के जब रथ में हाथ लगाएगा तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। आज राजा ने 700 कोस दूर पालकी भेजी और सालवेग अपने रथ पर अपने छत पर खड़ा खड़ा रुदन कर रहा है, जगन्नाथ भगवान की मंगल में स्तुति गा रहा है। राजा की समस्त लोग गए और जाकर के सालवेग को पालकी में लेकर के आए, करोड़ों लोग जो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आतुर बैठे थे, लेकिन अब जगन्नाथ जी को कोई नहीं देख रहा, सब सालवेग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाई कौन ऐसा भक्त है जिसके लिए जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे। एक मिलिच्छ का बालक सालवेग जब पालकी में बैठकर के उस करोड़ों जनसंख्या के बीच में प्रकट होता है, रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ जी का विग्रह मानो मदमस्त होकर के मचलने लग जाता है। राजा को आज्ञा करते हैं, सालवेग को लेकर के आओ और आकर के मेरे हृदय से लगा दो। सालवेग पालकी से उतरता है, रथ पर चढ़ता है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, जिन ठाकुर के दर्शन का अधिकार मिलिच्छों को नहीं है, आज वो मिलिच्छ का बालक सालवेग भगवान को आलिंगन करने जा रहा है। जगन्नाथ भगवान का पहली बार दर्शन सालवेग करता है, मानो जगन्नाथ भगवान कहते हैं, ये भुजाएं तेरे आलिंगन के लिए ही खड़ी की है मैंने सालवेग, आ जा और मुझे अपने हृदय से लगा ले। सालवेग जाकर के जैसे ही जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगाता है, जगन्नाथ भगवान का रथ बिना किसी के हाथ लगाए अपने आप बढ़ने लग जाता है। इसको कहते हैं प्रपन्नता। ये भक्त का लक्षण नहीं है, ये प्रपन्नता का लक्षण। ऐसी अद्भुत कथा सालवेग की। सालवेग ने पूरी स्तुति गाई, मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ा है उसका, इतना अद्भुत भाव है, इतना सुंदर भाव है। श्री गिरधर लाल जी का तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथपुरी में होगा तो ये उड़िया भाषा का सालवेग का गीत पूरा गाएंगे और पूरे का भाव सुनेंगे वहां पर। सालवेग
साल वेग पर श्री जगन्नाथ जी ने कृपा की। तो गोपियां कह रही हैं, वांछन्ते यत्पादरच प्रपन्नः, बोले प्रभु आपके प्रपन्न भक्त क्या चाहते हैं आपसे? कुछ नहीं चाहते। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमिष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, ना ही उनको स्वर्ग चाहिए, ना ही उनको वैकुंठ चाहिए, ना ही सार्वभौम चाहिए, ना ही रसाधिपत्य चाहिए, ना ही नरक का स्वामी बनना है उनको। आपके प्रपन्न भक्त को केवल आपके चरणों की रज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रपन्न भक्त की ख्वाहिश है जीवन की, उसको केवल आपके चरणों की रज चाहिए। और आज हमारे पति को चरण रज नहीं, साक्षात आपके श्री चरणारविंद प्राप्त हो रहे हैं। हम कैसे कह लें, हम कैसे समझें इस बात को कि हमारा पति कोई 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 किलविश है, इसने कोई पाप किया है? नहीं प्रभु, हमारे पति ने जरूर ही तपः सुतपम कि मनेन पूर्वम, इसने जरूर अपने पूर्व जन्म में कोई तप किया होगा जिसके फलस्वरूप आपके चरणारविंद इसको प्राप्त हो रहे हैं। तवांग्रि रेणु स्पर्शराधिकार, हमारे पति को आज आपके चरण स्पर्श, चरण रेणु स्पर्श का अधिकार प्राप्त हुआ। हमें तो उससे ये पता लगा है कि हमारा पति कोई पूर्व जन्म का बहुत बड़ा तपस्वी है, इसने कोई पाप नहीं किया है। एक रसिक जन कह रहे थे, कालिया नाग ने इशारे में कहा होगा अपनी पत्नियों से, तो हाँ ठाकुर जी थोड़ा बहुत जो कृपा मुझे दे रहे हो इनको और दे दो, ये बहुत कह रही है मेरे पे कृपा दृष्टि हो रही है, एक एक फण से रक्त निकल रहा है, ऐसी मेरी दुर्गति हो गई। और ये कह रही है कि आपने बहुत कृपा की हमारे पति के ऊपर। पत्नियां कहने लगी, चुपचाप खड़े रहो, हम बचा के ले जा रही है तुमको यहां से। लेकिन ठाकुर जी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं उतरूंगा नीचे, आज इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब नाग पत्नियों ने एक युक्ति अपनाई और कहा, प्रभु यदि आपके पादप प्रहार से कालिया नाग का वध हो गया ना, तो जाएगी लाज तुम्हारी, कालिया नाग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ जाएगा। भगवान बोले मेरा कैसे बिगड़ेगा? बोले पति प्राण प्रदीयताम, हमारे पति को आप छोड़ दीजिए। क्यों? बोले यदि हमारे पति के प्राण निकल गए और कल को किसी ने पूछा, बोले भैया वो आदमी कैसे मर गया था, बोले उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। वो कैसे मर गया, बोले उसके सिर पर काल मंडरा रहा था। वो कैसे मर गया, उसके सिर पर लोभ मंडरा रहा था। कोई पूछेगा कालिया नाग कैसे मर गया, बोले कृष्ण मंडरा रहे थे उसके सिर पर। आपकी लाज चली जाएगी यदि हमारा पति मर गया तो। तत्क्षण ठाकुर जी नीचे कूद गए, बोले नहीं फिर तो हम कालिया नाग को छोड़ देंगे। कालिया नाग के फण से नीचे उतर गए ठाकुर जी और नीचे उतर करके खड़े हो गए। कालिया नाग की हालत खराब हो गई। भगवान से कहने लगा, अरे उतर क्यों गए, आ जाओ अभी और मारो, जान से खत्म कर दो, मार दो हमको, जीवित क्यों छोड़ रहे हो आप? कालिया नाग कहता है, स्वभाव जो नाथ लोकानाम, हमारा स्वभाव जो इतना दुस्त्यज बनाया वो किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। पूरी सृष्टि की रचना आप करते हैं, प्रत्येक मानव को आप बनाते हैं, प्रत्येक जीव को आप बनाते हैं। हम सर्पों को आपने बनाया, सर्पों का इतना भयभीत इतना भयावह स्वभाव आपने बनाया, हमारी जिह्वा में विष आपने भरा। भले अपने जन्म से मिले हुए स्वभाव को कोई कैसे छोड़ सकता है? कालिया नाग स्पष्ट करता है, स्वभावो दिस्तजो नाथ लोकानाम यदसत ग्रह, व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन जन्म के बाद जो सबसे पहला स्वभाव उसके भीतर आता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्रभु मुझे विषैला आपने बनाया, मुझे क्रोधी आपने बनाया, इसमें मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बहुत दुस्तज होता है जन्म से मिले हुए स्वभाव को छोड़ना। सर्पों को आपने बनाया, क्रोध आपने बनाया, विष आपने बनाया, यदि मेरी जिह्वा में अमृत भर देते तो मैं पूरी यमुना को अमृत मैं बना देता, लेकिन आपने विष भरा है तो विष ही तो छोड़ूंगा, मेरी क्या गलती है उसमें?
और अंत में तो यही कह देता है, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। ये जो कुछ भी हो रहा है, मैंने यमुना को विषैला किया, मेरे कारण इतने सारी गाय, इतने सारे ग्वाल बाल मारे गए, इन सब में मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान ही कारणम, आप ही कारण हो, क्योंकि आपने ही मुझे ऐसा बनाया। भगवान थोड़ी देर तो सुनते रहे, और सुनते सुनते मन में विचार करने लगा भी ये काली अनाग अपने जाल में फंसा रहा है। काली बाली बली इन तीनों के आगे भगवान हार गए। काली अनाग कह रहा है, मुझमें विष भरा, मेरी क्या गलती। बाली कहता है, मुझे मेरे सामने आके मार के दिखा दे, छुपके क्यों मारा। अब बली कहता है, प्रभु आपने दो पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो, ठाकुर जी कुछ कर ही नहीं पाए। इन तीन भक्तों से ठाकुर जी ने अपनी हार स्वीकार की, चुप हो गए, मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी ने ऊपर की ओर इशारा किया होगा, बोले ज्यादा बात मत बना, ऊपर देख। तो जैसे ही ऊपर देखा होगा कालिया नाग ने, ऊपर से शेषावतार बलराम जी खड़े होंगे। बोले भगवान से जवान लड़ाता है, भगवान से ज्यादा बोलता है। कालिया नाग ने जैसे ही देखा होगा बलराम जी को, तुरंत प्रणाम किया होगा, बोले कि मैं क्या करूं, मेरा अपराध क्या है, मुझे बताइए। बोले तेरे लिए मैंने रमणक द्वीप बनाया है, पर यहां क्या कर रहा है, चला जाए यहां से, यमुना को छोड़, यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, द्वीपम रमणकम तुम्हारे लिए बनाया है, जाओ। ये कालिया नाग रहता क्यों है यमुना जी में, इसके विषय में कथा आती है कि भगवान के आसन श्री गरुण जी महाराज, उनका प्रिय भोजन है सर्प। कालिया नाग यहां पर कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे भय है आपका जो आसन गरुण है वो मेरा वध कर देगा। भगवान बोले डरने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों। बोले अब तू वैष्णव हो गया है, तेरे मस्तिष्क पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, अब गरुण जी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तू चला जाए यहां से। गरुण जी का प्रिय भोजन सर्प, आए दिन सर्पों का भोजन करते हैं गरुण जी। सब सर्पों की मंडली ने एक दिन चिंता व्यक्त की, बोले भैया ये गरुण जी हम में से किसी को रोज खा जाते हैं, हम लोग कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि भगवान के वाहन हैं। तब सर्पों के मुखिया ने कहा, बोले भैया एक काम करो, 9 प्रकार की प्रजाति होती है सर्पों की, बोले काम करो गरुण जी को एक बार यहां पर भोजन पर बुलाओ और उनसे प्रार्थना करेंगे, भैया इसका कोई समाधान निकालो, इस प्रकार आप तो किसी को भी खा जाओगे। गरुण जी महाराज को बुलाया गया, गरुण जी से प्रार्थना की गई, बोले प्रभु आप इस प्रकार सर्पों का हनन मत किया कीजिए, प्रिय वस्तु रोज नहीं खानी चाहिए, कभी कभी खानी चाहिए। सर्पों ने कहा अब किसी को गुलाब जामुन रसगुल्ला पसंद है तो रोज थोड़ी खाए, रोज खाने से उसका सुख भी कम हो जाता है और उसके फिर उससे रोग होने की भी संभावना होती है, आप तो रोज ही खा जाते हो हम में से किसी को भी उठा के। तो बोले हे गरुण भगवान, हम आपको वचन देते हैं महीने की प्रत्येक पूर्णिमासी को एक वृक्ष निर्धारित कर दिया, उस वृक्ष पर हम में से एक सर्प को हम छोड़ दिया करेंगे, आप आके उसको पा लिया करना, लेकिन रोज खाना बंद कर दीजिए। अब इतना स्वागत किया, सम्मान किया सर्पों ने, तो गरुण जी ने उनकी बात मान ली, बोले ठीक है हम इसी प्रकार करेंगे। अब कोई सर्प बहुत वृद्ध हो जाता, लूला लंगड़ा हो जाता, उसका कोई काम नहीं रहता, तो उसको ले जाके वहां वृक्ष पर छोड़ देते, गरुण जी आके उसको खा जाते। एक दिन बारी आई कालिया नाग की, कालिया नाग को जैसे ही पहुंचाया गया उस वृक्ष के पास, क्रोध में चला तो गया, लेकिन कालिया नाग को अपने अत्यंत विषैला होने का बहुत अभिमान था। जैसे ही गरुण जी महाराज इसका भोजन करने के लिए आए, कालिया नाग ने अपने विशाल 101 फणों से भयंकर विष को छोड़ा। गरुण जी महाराज बोले, सूर्य को दीपक दिखाता है, अपने बाम पंख से ऐसा प्रहार किया और कालिया नाग को खाने के लिए जैसे ही दौड़े, कालिया नाग इतनी द्रुत गति से दौड़ा, दौड़ता 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 सीधे जाकर के यमुना जी में विराजमान हो। प्रश्न उठा कि भाई यमुना जी में कैसे आश्रय मिल गया, यमुना जी में क्यों नहीं गए गरुण जी। तब वर्णन आता है कि गरुण जी का दूसरा प्रिय भोजन है मछली।
वरुण जी रोज यमुना के तट पर आते और वहां से बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाते। उनके बालक अनाथ होकर के रुदन करने लगते। यमुना जल के भीतर बैठे थे सौभरी ऋषि, तपस्या कर रहे थे। सौभरी ऋषियों ने जब देखा कि इतने सारे छोटे छोटे मछलियों के बालक रो रहे हैं, उनसे पूछा क्या कारण है। बोले हम सब अनाथ हो गए। बोले क्यों? गरुण जी हमारे माता पिता का भोजन कर ले रहे। सौभरी ऋषि ने गरुण जी को जाकर के कहा कि आइंदा से आप यमुना जल में आकर के इन मछलियों को खाना बंद कीजिए, आप मत खाया कीजिए। गरुण जी बोले मेरा प्रिय भोजन मैं कैसे छोड़ सकता हूं। क्रोध में भर करके सौभरी ऋषि ने शाप दे दिया। बोले मैं शाप देता हूं, यदि आपने कभी यमुना जी में आकर के यहां के मत्स्य को मछली को उठा करके खाने की कोशिश की, तत्क्षण आपके प्राण निकल जाएंगे। तब से गरुण जी ने ये निर्णय कर लिया कि कहीं भी जाएंगे लेकिन यमुना के पास आते ही नहीं, क्योंकि आएंगे तो फिर खाने की इच्छा होगी। इसलिए कालिया नाग आकर के यमुना जी में छिप करके बैठा था। आज भगवान ने कहा कि चले जाओ रमण द्वीप में जाकर के रहो, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। कालिया नाग ने अपने समस्त परिवार के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करता हुआ भगवान का कीर्तन करते करते वहां से प्रस्थान करने लगा। जैसे ही ठाकुर जी बाहर आए, समस्त ब्रजवासियों ने जाकर के ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। कभी कोई गोपी हृदय से लगावे, यशोदा तो छोड़े ही नहीं रही है। एक बड़े रसिक संत वे ऐसा वर्णन कर रहे थे कि जैसे ही ठाकुर जी कालिया नाग को मार करके बाहर आए तो सब ब्रजवासी देख रहे थे ऊपर से क्या क्या लीला चल रही है। जैसे ठाकुर जी कालिया नाग को मार के बाहर आए तो कई लोगों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। ब्रजवासियों में प्रभुता देख करके ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा और ठाकुर जी बाहर निकल करके यशोदा मैया के अंक में जाकर के लिपट गए और रोने लगे। बोले मैया मुकु या कालिया नाग ने बहुत परेशान किया, मुकु बहुत दर्द है रहे हो, पूरे अंग अंग में दर्द है रहे हो। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को दर्द कैसे दूर होएगा। तो ठाकुर जी बोले मोकू अबई अपनो दूध पिवा तबई मेरो दर्द दूर होएगा। समस्त ब्रजवासियों के भीतर जो ठाकुर जी के प्रति प्रभुता जगी थी उसको दूर करने के लिए ठाकुर जी बालकों की तरह लीला करने लगे और यशोदा मैया के पयोधर से लिपट करके दुग्ध पान करने लगे। ऐसी ठाकुर जी की मंगलमय लीला। आज इतनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, इतना भगवत नाम हम लोग गाते हैं, इतने नाम जप हम लोग करते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा हम लोग करते हैं, फिर भी ठाकुर जी का किंचित मात्र भी अनुभव हमको क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ना किसी रूप में अहम तो भीतर है। कालिया नाग हमारे भीतर बैठा है। उसको दूर करो। लेकिन एक आश्चर्य की बात, काली देह पर एक भी वृक्ष नहीं है, एक भी हरियाली नहीं है, एक भी घास नहीं है विष के कारण, लेकिन एक कदंब का वृक्ष है जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे। ये कदंब वृक्ष, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कृष्ण कदंब मधिरुहा ततो तितुंग एक कदम का वृक्ष वहां है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा महाराज जब एक भी वहां पर घास नहीं, हरियाली नहीं, दूर दूर तक कोई प्रकट होने वाली जंतु नहीं, तो फिर ये कदम कैसे जीवित है? तब एक अद्भुत कथा सुनाई गई। बोले कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के युद्ध हो रहा था, अहम पूर्वम हम पहले पियेंगे, उस समय भगवान ने विचार किया ये तो बहुत युद्ध हो रहा है, इनको संभालने के लिए, इनको रोकने के लिए कोई स्त्री का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और उस समय विष्णु भगवान ने, नारायण ने विचार किया कि मैं मोहिनी रूप धारण करूं। तब भगवान ने गरुण जी को आदेश किया, बोले गरुण मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं मोहिनी रूप धारण करके आ रहा हूं, तब तक इस पूरे युद्ध को तुम संभालो, अमृत कलश का तुम रक्षा करो।
गरुण जी महाराज उड़ते हुए आए और समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश को लेकर के सीधे पहुंचे नासिक, और नासिक में ले जाकर के गड्ढा करके वहां उसको गाड़ने लगे। इतने में क्या देखते हैं, 33 करोड़ देवता और दैत्य सब दौड़े दौड़े वहां भी आ गए। गरुण जी महाराज ने तुरंत वहां से अमृत कलश निकाला, 2-4 बूंद वहां गिर गई, इसलिए कुंभ वहां होने लगा। सीधे भागे प्रयागराज, प्रयागराज में भी समस्त देवता असुर आ गए, वहां से भागे हरिद्वार। हरिद्वार से जब भागने लगे तो कहां पहुंचे, यमुना के पुलिन पर। चाहते तो थे वृंदावन में विराजे, लेकिन देवता और असुर इतनी द्रुत गति से पीछा कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठने का ही अवसर मिला। कहां बैठे, बोले यमुना के पुलिन पर विराजमान एक कदंब के वृक्ष पर बैठे कलश को लेकर के। इसलिए वृंदावन में कुंभ नहीं लगता, कुंभ से पूर्व, हरिद्वार कुंभ से पूर्व केवल बैठक होती है। क्यों? क्योंकि अमृत कलश को लेकर के गरुण जी यहां बैठे थे, और उस समय अमृत कलश से कुछ बिंदु छिड़क करके उस कदंब ने अपने भीतर धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से कालिया नाग के आगमन पर सब कुछ वहां से जा चुका था, लेकिन कदंब वृक्ष तब भी विद्यमान था, जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे यमुना जी। एक कदंब वृक्ष था बस। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने आकर के नंद बाबा से कहा, देहि दानम् द्विजातिना कृष्ण ने मुक्ति हे नंद बाबा, आपका लाला कालिया नाग से सही सलामत बचकर के आया है, अब समस्त ब्राह्मणों को दान कीजिए। कहने का अभिप्राय, जितनी भी बार ठाकुर जी ने कोई मंगलमय लीला की, ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मणों ने दान मांगा है और नंद बाबा ने दिया है। जीवन में कोई भी विपत्ति आवे, श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, उससे विपत्ति टल जाती है, विपत्ति दूर हो जाती है। ठाकुर जी की इस प्रकार लीला चल रही है, ठाकुर जी ने दावाग्नि का पान किया, सबको दिखाते हुए दावाग्नि का पान किया, और आगे श्रीमद् भागवत में मासों का वर्णन किया गया, कैसे कैसे मास हैं, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु चल रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है वृंदावन में, और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, उस समय की जो, जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ती है तो हम लोग ठंडा जल पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसे ही उस समय में ठाकुर जी गोपियों के घर जाते हैं और घर जाकर के छाछ मांगते हैं, ठंडी छाछ हो तो पिवाए। तो तब एक गोपी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले लाला कहा जी, बोले बहुत गर्मी पड़ रही है, छाछ हो ठंडी तो दे दो हमको, छाछ पिवाओ। गोपी बोली छाछ पिवाएगी, बोले हाँ, काहे को, गलो सूख रहो मेरो, बोले मैं नहीं पिवाऊंगी, बोले क्यों ना पिवाएगी, बोले पहले नाच के दिखा। तो शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि कृष्णस्य नृतत नृतयतः किंचित् जगुके चिद्वादयन् वेणुपाणितले शृङ्गैः प्राशशं सुरतापरे। गोपांगनाएं वेणु बजाती हैं, हाथ की ताल बजाती हैं, और उस ताल को सुनकर के, वेणु को सुनकर के नंद नंदन यशोदा नंदन नृत्य करने लग जाते हैं। इसी भाव को रसखान जी गाते हैं, सब लोगों को विदिती है रसखान जी का वह भाव जो वे ठाकुर जी के मंगल में नृत्य को देख कर गाते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचा। ऐसे ग्रीष्म ऋतु बीती ठाकुर जी की। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जावत मंगल ध्यावे। श्री रसखान जी गा रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुखेद बतावे।
नारद से सुख व्यास रटे पविहार तव पुनि पार न पाए ताहि अहिर किछो हरिया छछिया भरि छाछ नाच नचावे। जब ठाकुर जी के सामने गोपी कोई हाथ की ताली बजाती है तो आकाश में खड़े हुए देवता भी आश्चर्य करते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के इस प्रकार की ताल बजा करके और ठाकुर जी को नृत्य करवा सकें। ये छाछ के प्रलोभन में जगत पिता जगदाधीश को नृत्य करवा रहे हैं। ये ब्रज की गोपियों का ही कमाल है, ब्रज की गोपियों पर भी कृपा है ठाकुर जी। इस प्रकार से लाल जी की मंगलमय लीला चल रही है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया, ग्रीष्म ऋतु जाते ही क्या आई, वर्षा जो अब चल रही है। वर्षा को देख करके सब प्रसन्न हो गए, लाल जी भी प्रसन्न हैं। वर्षा ऋतु में ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में किसी पेड़ के ओट में बैठ करके दाल भात दही भात खाते हैं। इस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। और सुखाचार्य जी एक और भाव बता रहे हैं, बोले केचिन नृत्यस्तु चान्येषु गायको वादको स्वयं। ठाकुर जी नृत्य तो करते ही हैं, लेकिन यदि किसी और के नृत्य करने की इच्छा होती है तो स्वयं बाजा भी बजाते हैं और स्वयं गाते भी हैं। ठाकुर जी संपूर्ण रूपेण रसाचार्य हैं। रसाचार्य कौन है, जिसको नाचना भी आवे, गाना भी आवे और बजाना भी आवे। तीनों चीजों में ठाकुर जी निपुण हैं। संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। संगीत से जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं है ठाकुर जी की तरह, जिसको गाने में रुचि नहीं, वाद्य में रुचि नहीं, नृत्य में रुचि नहीं, वो व्यक्ति तो वैसा ही है जैसे बिना पूंछ और सींग का कोई पशु हो। संगीत से ठाकुर जी को बहुत प्रेम है। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी समस्त ब्रजवासियों के साथ में कर रहे हैं। अरे लाल जी संगीत में भी निपुण हैं, वाद्य में भी निपुण हैं और गायन में भी निपुण हैं। जब ये श्लोक पढ़ा तो मन में भाव आ रहा था, ठाकुर जी बंशी बजाते ये तो सुना गया, नृत्य करते ये भी सुना गया, लेकिन हमारे लाल जी गाते थे और गाते कैसे रहे होंगे। इच्छा से प्रकट हुई कि राधा रमन जी जब गाते होंगे तो कैसे गाते होंगे। जिनको सुनना इतना प्रिय है, वाद्य बजाना इतना प्रिय है वंशी के, ऐसे बढ़िया विद्वान हैं ठाकुर जी, तो जब गाते होंगे, क्योंकि यहां पर तो लिखा है गायको वादको स्वयं, ठाकुर जी खुद गाते हैं खुद बजाते हैं। मतलब दाऊ दादा हारमोनियम लेके बैठ जाए, ठाकुर जी तबला भी बजावे और गावे भी हैं, कैसे लगते होंगे। श्री राधा रमन लाल जी की सब सारी ठाकुर जी की छवि ऐसी है, वंशी वारी है, कहीं पर ऐसी भी होनी चाहिए, तबला बजा रहे हैं, कहीं पर वीणा बजा रहे हैं और कहीं कान पर हाथ रख के गा रहे हैं, ऐसी छवि कहीं है ही नहीं। ठाकुर जी गायन भी करते हैं वादन भी करते हैं। वर्षा ऋतु जब आती है तो ठाकुर जी के रोज जागरण होते हैं, गोपीन के घर घर जामे और रात भर गायन वादन चलता है ठाकुर जी, क्यों वर्षा है रही है। वर्षा ऋतु का यहां पर एक भाव सुखाचार्य जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्राचीन काल में लोग आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि रस्ते का पता नहीं, कहीं गड्ढा रोड बह गई कुछ, आज भी ऐसा ही होता है, उस समय तो रस्ते थे ही नहीं तो क्या करें। तो बोले दिया जला करके सब बैठ जाते और जग रहा था, रात भर ठाकुर जी और बलराम जी गाना बजाना करते हैं, मंदम मंदम जलधारा बहती रहती और ठाकुर जी गायन करते हैं, और गायन के बाद प्रसाद के रूप में ठाकुर जी दही भात पाते हैं। इस प्रकार से वर्षा ऋतु के अनेक वर्णन किए गए। वर्षा ऋतु में तीन प्रकार के लोग दुखी रहते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया। कौन से, बोले एक तो तपस्वी, क्यों, बोले एक जगह बैठते हैं कहीं निकलते नहीं है, क्यों नहीं जाते, बोले छोटे छोटे के चातुर्मास शुरू हो गया ना, अब संत महापुरुष सब चातुर्मास करेंगे। इस बार हमारे परम पूजनीय मलुकपीठ वाले महाराज जी का चातुर्मास हर साल वे भी कर रहे हैं पिछले साल से, इस बार उनका चातुर्मास है जड़खोर गौधाम में, और उस चातुर्मास के उपलक्ष में पूज्य सदगुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज वहाँ कथा सुना रहे हैं,
जड़खोर गौधाम में महाराज जी वहीं विराजेंगे। महाराज जी की आज्ञा हुई थी एक बार कि अभी आए थे एक उत्सव में तो लाल जी के में तो कहने लगे बोले कि इंद्रेश जी इस बार चातुर्मास कर लीजिए हमारे साथ, क्योंकि अब तो व्यस्तता बढ़ती जाएंगी, कोरोना ठीक होगा, जीवन में फिर कभी चातुर्मास करने का अवसर मिले नहीं मिले। लेकिन हमने कहा महाराज जी दर्शन करने आएंगे, अब चातुर्मास करने के लिए फिर कथाएं अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, कैसे आएंगे फिर? तो चातुर्मास करते हैं संत, इसलिए थोड़े से एक ही स्थान पर रहते हैं। वणिक व्यापारी वे भी थोड़े से दुखी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि अब आना गमना सब उनका रुक जाता है। इस प्रकार से राजा भी दुखी हो जाता है क्योंकि उसका भी भ्रमण बंद हो जाता है। वर्षा ऋतु का वर्णन किया और वर्षा ऋतु के बाद में अब आया है क्या? शरद ऋतु। और जैसे ही शरद ऋतु प्रारंभ हुई है, शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही महाराज संपूर्ण नदियां अपने आप स्वच्छ हो जाती हैं। वृंदावन का स्वरूप तो ऐसा बता रहे हैं, बोले वृंदावन ऐसा हो गया है मानो कि मानो कमल की खान हो, इतने कमल पुष्प उत्पन्न हो गए श्री राम वृंदावन में। इस प्रकार से शरद ऋतु का वर्णन किया और शरद ऋतु प्रारंभ होती सब सुखी हो गए। अब सब इधर उधर विचरण करने लगे, घरों से निकलने लगे। श्री सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं, एतम शरद स्वच्छ जलम, एतम स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, न्यविषद्वायुना वातं सगोपालकोच्यतः। स्वच्छ जल आ गया यमुना जी में। ठाकुर जी अपने अनावृत चरणों से, बिना पादुका के चरणों से वृंदावन में विचरण करते हुए वृंदावन को सुख प्रदान कर रहे हैं। समस्त गोपालों के साथ में, समस्त ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले चुकुज वेणुम। ठाकुर जी अपने अधरों पर वेणु को धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोते हैं, बाज उठती है वंशी श्री राम वृंदावन में। अद्भुत। यहां से प्रारंभ होता है वेणु गीत, जिसका श्रवण आप लोग पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से प्रातः काल सत्र में कर रहे हैं, लेकिन दो चार भाव कह के हम भी वेणु गीत में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ठाकुर जी की उस वंशी को सुनकर के अपने अपने घरों में बैठी हुई गोपियां अनेक अनेक कार्यों में लगी हैं, लेकिन मन में इच्छा प्रकट होती है कि हम उठकर के जावें और इस वेणु का रव करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लें। लेकिन कैसे जाएं? सास बैठी है, ससुर बैठे, पति बैठे, इतने काम बचे हैं, अब कैसे जाएं इन सबको छोड़ करके? तब नेत्र बंद करके उस वेणु की ध्वनि से ही प्रार्थना करती हैं समस्त गोपियां कि अरे वेणु, तू ध्वनि के माध्यम से हमारे कानों में आ रही है, कृपया करके इस ध्वनि के माध्यम से चित्रण भी तो दिखा कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे। वेणु गीत क्या है? वेणु गीत सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट ठाकुर जी का। और जैसे ही वेणु से प्रार्थना करती है, वेणु कर्ण रंध्र में प्रवेश करती है और ठाकुर जी के मंगलमय रूप का दर्शन कराती है। गोपियां दर्शन कर रही हैं, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? कि बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं विभ्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च माला किरंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भोपाली कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। बरहा कहते हैं मोर पंख का आपीड, यानी कि मुकुट जिन्होंने पहना है, लेकिन इसका दूसरा भाव सुनिए। बरहा पीडम यानी कि ब्रह्मा आपीडम,
ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का कि चार मुख वाले ब्रह्मा भी उनके मुख को देख करके, उनकी कांति को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके चिंतित हो रहे हैं। क्यों? ब्रह्मा सोच रहे हैं ऐसा स्वरूप मेरा क्यों नहीं है। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, इनको समस्त गोपांगनाएं देखती हैं, सारे ग्वाल बाल देखते हैं, हमारे पास में चार चार मुख हैं, एक भी सुंदर नहीं है। तो ब्रह्मा भी जिस मुखमंडल को देख करके पीड़ा में आ जाए, दुखी हो जाए, ऐसा ठाकुर जी का मुखमंडल है। और नटवर वपुः, नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं, लेकिन दूसरा भाव कहते हैं नटवर कौन है, नटवर है श्री शिव। भगवान शिव जिनके रूप माधुरी को देख करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मादिक शिवादिक भी जिनके रूप माधुरी पर इतने मोहित रहते हैं, मुह्यति यत् सूरय, इतने प्रभावित रहते हैं, ऐसा ठाकुर जी का मुखमंडल है। मतलब श्री शुकाचार्य जी महाराज बताना चाह रहे हैं कि परीक्षित, ये साधारण कृष्ण का स्वरूप नहीं है वेणु गीत में, ऐसा स्वरूप है कि जिस स्वरूप को देख करके ब्रह्मा आदि शिव आदि देवता भी पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे, इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। नटवर वपु कर्ण यो कर्ण कारम, कान तो दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है ठाकुर जी ने। क्यों? चंचल स्वभाव है ठाकुर जी का, एक कान में कुंडल है बस, दूसरे में नहीं है। और कुंडल भी काय का, कन्नेर के फूल का, जो पीला फूल होता है उसका कुंडल पहना है। मधुमंगल दूसरी उंगली पकड़ करके चल रहा, बोल लाला बा में बढ़िया नारा लग रो या मैं लगा। सो ठाकुर जी यहां से अपना पुष्प निकाल के दूसरे कान में लगा लेते हैं। श्रीधामा के, अरे लाला बा में ना बढ़िया लग रो, यही में लगा। ठाकुर जी फिर इसमें लगा लेते हैं। फिर मधुमंगल कहता तू माने ना बात है, अरे बा में ना बढ़िया लग रो या मैं लगा। फिर ठाकुर जी इसमें, श्रीधामा के नहीं यही में लगा। ठाकुर जी पकड़ते हैं पुष्प, दोनों को बैठाते हैं, कभी इसमें फिर इसमें फिर, अब ठीक है खुश हो तुम। द्रुत गति से दोनों कानों में कुंडल पहनने लगते हैं। और फिर श्रीधामा मधुमंगल जोर से हंसते हैं, ठाकुर जी को हृदय से लगाते हैं। कर्ण यो कर्ण कारम, ये सब दर्शन गोपियां कर रही हैं आंख बंद करके। और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने प्राणों को पिरो करके ठाकुर जी वेणु का रंधन कर रहे हैं, वेणु रव कर रहे हैं। उसमें भी एक एक स्वरूप का दर्शन गोपियां कर रही हैं। अरे ये वेणु कितनी भाग्यशाली है, देखियो जब जब श्री राधा रमन लाल जी अपनी आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, वेणु बजाते बजाते, तो ऐसा लगता है ठाकुर जी अपने नेत्रों के पलकों से मानो उसको उसको हवा कर रहे हों। एक गोपी कहती है इनके कोमल उंगली जब जब वेणु के छिद्रों पर भ्रमण करती है तो ऐसा लगता है ठाकुर जी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चरण दबा रहे हैं। एक गोपी कहती है और सब तो छोड़, ये वेणु ठाकुर जी के अधरामृत का पान करती है, कितनी सौभाग्यशाली। रंध्रान वेणु अधर सुधया, पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे सुंदर ठाकुर जी अपनी अलकावलियां, घुंघराले केश खुले हुए हैं, बीच में छोटा सा मुखमंडल है ठाकुर जी का, अपने अपने बिना पादुका के चरणार बिंदों से मचलते मचलते उछलते हुए श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गोप ग्वालों के साथ, और उस कीर्ति का गान गोप ग्वाल कर रहे हैं, और गोपियां घर में बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं अक्षण वतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसून अनुवेश यतोर्मयस्य। अरे सखी, ऐसी रूप माधुरी को देखने के अलावा इन आंखों का किसी और को देखने का धर्म है ये तो हम जानती ही नहीं है। कोई हमसे कहे कि भैया ये सौंदर्य देखो, ये सौंदर्य देखो, लेकिन हम तो कहेंगे जिसने श्याम सुंदर के स्वरूप को देख लिया उसकी आंखों का धर्म सिद्ध हो गया, सफल हो गया, अब उसको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने हमको आंख क्यों दी? गोपियां कह रही हैं, बोले आंख इसीलिए दी ताकि आप इन आंखों से ठाकुर जी के मंगलमय रूप को देख सको, कान इसलिए दिए ताकि ठाकुर जी की मंगलमय कीर्ति का गान सुन सको, हाथ इसीलिए दिए ताकि करताल बजा सको, सेवा कर सको, चरण इसीलिए दिए प्रदक्षिणा कर सको, प्रत्येक अंग ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए दिया। और इन अंगों का सार्थक तभी होगा आना, हमारे शरीर में आना तभी सार्थक माना जाएगा जब इन अंगों से, प्रत्येक अंग से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं।